हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू केयर ऑन ट्रैवल एंड फिटनेस। सो कैसे आप दोस्त लोग? बहुत ही दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ। लास्ट मेरा ब्लॉग था माथेरान का, एंड आई एम नॉट रेगुलर विथ माय ब्लॉग ड्यू टू सम माय ऑफिस वर्क एंड ऑल, इसकी वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर। सो आज का टाइटल से आपको मालूम पड़ गया होगा आज का ब्लॉग किस बारे में है। आज का ब्लॉग है राइडिंग गम्बूट्स के बारे में। Those are new to my channel, let me tell you, this is my Kiran Travel and Fitness channel. I make travel vlogs, fitness vlog and DIY stuff. So if you are new, please subscribe to that red button as well as hit the bell icon. जिसके आपको notification आ जाएगा जब भी मैं कोई new video upload करूँगा तो. So let's get started. मोस्टली आप रेनी सीजन में जाते हो राइडिंग के लिए, तो आप क्या करो, रेन कवर या फिर गम्बूट यूज करते हो। गम्बूट आप अगर लेते हो वो आता है 400 से 500 रुपए का, लाइक इट्स अ टिपिकल गम्बूट आते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बूट्स एंड दी गम्बूट्स। इसमें आपको स्टील टो मिलेगा, हाई हील प्रोटेक्शन मिलेगा, और साथ में इसमें एल्पिनस्टर का लोगो है। ये कॉपी है, इट्स नॉट ओरिजिनल एल्पिनस्टर, बट इट्स लुक लाइक ऑफ एल्पिनस्टर। काफी यूज आएगा आपको रिवर क्रॉसिंग के टाइम पे, जहाँ पे आप लद्दाख जाओगे, स्पीति जाओगे, वहाँ पे काफी सारे पत्थर वगैरह होते हैं। नॉर्मल गम्बूट्स में वो स्टील टो नहीं होता, तो आपका पैर जो है वो डैमेज होने का बहुत सारा चांसेस होता है। सो इट हैज अ स्टील टो, तो ये आपका पैर अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। इसका अगर आप डिजाइन देखोगे, काफी हद तक ये एल्पिनस्टर के से मिलता जुलता है, बट लेट मी टेल यू गाइस, ये एल्पिनस्टर नहीं है। पहले ही बता दे तो एल्पिनस्टर के जूते आते हैं लगभग 7-8 हजार के ऊपर, और ये जूता 1 हजार के अंदर ही आता है। अगर आपको ये जूता लेना हो प्लीज मैसेज छोड़िएगा, आपका नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करूंगा। अगर विद इन मुंबई हो तो मैं आपको होम डिलीवरी दे सकता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी दे सकता हूँ, बट प्लीज कन्फर्म कीजिएगा ऑर्डर उसके बाद ही। और एक खास बात आपने नोटिस किया होगा, आई एम यूजिंग दिस माइक, ये लेवल माइक है। अब ऑलरेडी ऑन अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, ये 130 रुपीज का है, पर जस्ट मैंने टेस्ट सैंपल शॉट किया टेस्टिंग के लिए। इट इज वर्किंग वेल, वेरी फाइन, अच्छे से आवाज आ रहा है, नॉइस रिडक्शन भी काफी अच्छा सा हो रहा है। ये देख सकते हो इसमें आपकी जो साइज जो है वो 7 से लेके 10 तक की अवेलेबल है। और एक बात, गम्बूट्स जो है काफी लूज होते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल, अगर आपका रेगुलर साइज 8 नंबर है तो इसमें आपका जो है 7 नंबर परफेक्टली फिट हो जाएगा। अगर आप 10 नंबर यूज करते हो आपको 9 नंबर आदि इजिली हो जाएगा। तो दिस आर द शूज, इट हैज स्टील टो। आ रहा है आपको आवाज? ये एल्पिनस्टर का लोगो, इस लोगो पे मत जाओ आप, ये जस्ट स्टिकर है, बट स्टिल इट्स अ रियली नाइस गम्बूट्स और यू कैन सी राइडिंग शूज। जब मैं राइडिंग पे गया था बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा ये क्या है करके, तो ये 1000 रुपए के अंदर अगर आपको शूज मिल रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील, इट्स अ वेरी वेरी नाइस डील। अगर ये आपको शूज जो है वो अगर 1000 के अंदर मिल रहा है तो, और जैसे मैंने आपको बताया अगर आप मुंबई से हो विद इन मुंबई आप ऑर्डर दे सकते हो, मुझे नीचे मैसेज छोड़िए गया तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक, सेम नेम है मेरा, मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे पीएम कर सकते हो मुझे आप, सो आई कैन गिव यू दिस। राइडिंग शूज के बारे में बात करेंगे तो आई कैन नॉट कंपेयर, या फिर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट है आपके राइडिंग शूज के लिए, बट आई कैन से दैट इट इज एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मीन्स अगर आप बारिश में जाते हो तो ये आप लाइक 1000 के अंदर आता है ये शूज, तो आप कभी भी बारिश नहीं यूज करके रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद योर राइडिंग शूज। राइडिंग शूज में क्या होता है, दैट इज वाटर रेजिस्टेंट, दैट इज नॉट वाटर प्रूफ। सो अगर उसके अंदर पानी चला जाता है देन यू हैव टू कीप ड्रायर वगैरह यूज करके उसको ड्राई करना पड़ता है, बट दिस लाइक दिस इज 100% रबर और ये वाटर प्रूफ है। सो लाइक एक बार पानी इसके निकाल दो, रात सूखने के लिए रात भर में सूख जाता है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो या फिर आप टूरिंग पे जा रहे हो मोस्टली इन रेनी सीजन, ये बहुत ही काम में आएगा। एंड इसका सोल देख सकते हो, दिस इज एंटी स्केट सोल। तो इस वीडियो एंड करने से पहले और एक बात, और एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपको, दिख रहा है हेलमेट? काफी सारे लोगों ने मुझे पीएम डीएम और फेसबुक पे कमेंट किया कि ये हेलमेट आपने कैसे बना, क्या बनाया, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर इसका आपको डीआईवाई चाहिए, फिर कैसे मैंने ये हेलमेट बनाया। तो अगर आपको चाहिए डीआईवाई और या फिर एक ट्यूटोरियल चाहिए इसके ऊपर, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसका जो है
मेकिंग बता सको कैसे मैंने ये बनाया। अगर आप देखोगे नॉर्मल वेगा का हेलमेट है, इसके ऊपर मैंने मोहॉक जो है रबर स्पाइक जो है बनाया है, इसके साथ ये टिपिकल लेस जो शू लेस है वो है, प्लस ये हेलमेट जो है टोटली ब्लैक था। व्हाट आई हैव डन इज ये जो स्टिकर कार्बन फाइबर स्टिकर जो होता है वो उसके ऊपर मैंने कट करके लगाया, सो इट लुक्स टोटली डिफरेंट। ये 800 किसी भी एंगल से 800-900 रुपए का हेलमेट नहीं लगता। अगर आप बाहर जाओगे तो आराम से ये 5-6 हजार का हेलमेट लगेगा। अगर आपको ये हेलमेट आपके घर में बनाना है, 800 का हेलमेट हो गया है। ये जो लेसेस जो है दैट कॉस्ट यू 20 रुपीज, आप देख सकते हो थोड़े बहुत 5-6 लेसेस यूज किए मैंने। ये मोहॉक ये शू सोल से मैंने बनाया ये, सो यू कैन गेट दिस डन एट योर होम ओनली। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से मुझे मालूम पड़ेगा आपके रिक्वायरमेंट्स क्या, उस हिसाब से मैं और ज्यादा वीडियो DIY स्टफ बना सकूंगा। अभी ये माय नेक्स्ट वीडियो विल बी होपफुली, मैं अगर कोई ट्रैवल करता हूँ तो अभी एक ट्रैवल ब्लॉग, या तो फिर मैं इंटरकॉम नहीं बोल सकते, हेलमेट ब्लूटूथ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो हेलमेट है मेरा, इसके अंदर मैं ब्लूटूथ इंस्टॉल करूंगा, एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज का सिर्फ जो ब्लूटूथ हेडसेट आता है, ब्लूटूथ डिवाइस आता है जो आपको अमेजोन या फिर अलेक्सा से मिल जाएगा, और जो स्पीकर जो होते हैं वो अगर आप मार्केट में जाएगा 100 रुपीज की ईयरफोन, नॉर्मल ईयरफोन यूज करूंगा मैं, और इससे आप जो है आराम से फोन रिसीव कर सकते हो, वायरलेस गाने सुन सकते हो, तो दैट विल बी माई अपकमिंग। तो टिल देन थैंक्स अ लॉट, मेरे 1K सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं सब आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। सो टिल देन राइट सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, ईट लिंक्स।